ये चश्मे वाला पठान का सवाल पूछेगा पठान ने कहीं ना कहीं मुझे भी गलत साबित कर दिया तो अभी सिनेमा में कोई नहीं जाएगा और शाहरुख खान की फैंडम ही वो है कि लोगों को जाना ही है देखने और पिक्चर मैंने देखा पिक्चर अच्छी लगी और लास्ट वाला जय हिंद तो ओह मतलब तो सीटियाँ ही तालियाँ सीटियाँ पैसे उड़ रहे भाई तो इतनी अच्छी मूवी बनाए और इंडिया में इस तरह का एक्शन बन एक्शन मूवी बन रही है कि हम जब बॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हैं ये सब चीज़ें तो हम बोलते हैं यार इंडिया में ऐसी पिक्चर नहीं बनती बट हम आ चुके हैं इंडिया तो आ चुका है भाई शाहरुख खान के साथ पिक्चर आ रही है है ना तो शाहरुख खान मेरे साथ कर नहीं लेगा ना अभी थोड़े पैसे आ गए तो अभी थोड़ा हर इंसान की जिंदगी में स्ट्रगल है में। अलग बीटी एक फन हिप हॉप ट्रैक है और बहुत ही प्यारा गाना बनाया और इसमें हिट जोन है जो बहुत ही टैलेंटेड और बहुत क्रेजी रैपर है मुंबई का और साथ में सैज़ है सैज़ ऑन द बीट को कौन नहीं जानता है हिप हॉप की दुनिया में इज़ लाइक अ बिगेस्ट प्रोड्यूसर और वार्नर म्यूजिक इंडिया रिलीज़ कर रहा है गाने को तो सारी चीज़ें हैं उसमें जो एक इंसान को एक्साइटेड करे और ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड है और आई एम सो हैप्पी कि प्रोडक्ट इतना प्यारा है और इतना बेहतरीन बना है कि जब वो रिलीज़ होगा अभी चार बजे रिलीज़ है और जब वो रिलीज होगा जब ये इंटरव्यू जाएगा आई थिंक तब तक रिलीज़ हो चुका होगा तो ये गाना लोगों को इतना पसंद आएगा और लोग ही उसके बारे में बात करेंगे तो अलग बीटी एक अलग ही बीटी देने वाला है लोगों को और हम लोग का प्लान एंड में रिलीज करने का था बट फिर हम लोग का प्रोडक्शन पे कुछ चीज़ें चल रही थे वो तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई बर्थडे के दिन ही रिलीज करते क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जनता जो है इतना प्यार देती है पूरा साल तो मैं बर्थडे के दिन उनको थोड़ा एंटरटेन करूँ और मैं पूरा साल ही काम करते रहूंगा ये बस साल की शुरुआत है आने एक ही आई एम सॉरी कुछ नहीं हुआ भाई हम लोग बर्थडे के दिन काम ही किए पूरी जिंदगी अभी थोड़े अभी थोड़े पैसे आ गए तो अभी थोड़ा पार्टी वार्टी वाले सीन होते हैं बट पार्टी अभी भी नहीं हो रही है मेरे दोनों दिन आप लोगों को पता है कैसे शेड्यूल है तो बस यही है गाने के प्रमोशन को लेके ही बर्थडे और बर्थडे के बाद वाला दिन भी तो इसी तरह प्रमोशन में ही बिजी हूँ तो कोई पार्टी तो नहीं कर रहा हूँ डोंगरी में हुई थी कुछ आप बताना चाहोगे में डोंगरी में शूट करना बहुत ही डिफिकल्ट है और डोंगरी नहीं आप कहीं पे भी अगर बिजिएस्ट स्ट्रीट मुंबई में अगर शूट करोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट अगर आप ब्लॉग वगैरह ठीक है बट आप जब पत्तीस चालीस लोग की टीम जब शूट करते हो सो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट बट ये बॉम्बे यार बॉम्बे पुलिस को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि हम कभी भी आर्टिस्ट लोग को बॉम्बे में जो सेवाएं मिलती है जो सपोर्ट मिलता है तो बहुत ही बहुत ही अच्छे से उन्होंने वो चीज़ हैंडल करी प्लस डोंगरी की जो टीम थी और प्लस डोंगरी के जो लोग थे इतने सही प्यारे लोग हैं कि वो लोग एज अ टीम काम कर रहे थे हमारे साथ वो लोग शूटिंग देखने आए थे बट उनको पता है कि हमें शूट नहीं करना है तो वो अपने मोबाइल से शूट नहीं कर रहे और कोई शूट कर रहा तो उनको रोक रहे तो हम लोग तीस चालीस लोग गए थे लेकिन पूरा दिन शूट करते करते हम लोग की दो सौ तीन सौ लोगों की टीम हो चुकी थी कि खुद ही बाइक को रोक देते थे कि बाइक शूटिंग चालू है तो बहुत ही फन था और बहुत सारा प्यार है डोंगरी से मुझे तो मुझे उन लोगों ने काफी सपोर्ट किया शूट में आ, बस ये दुआ है ये दुआ है और वर्क है और मैं वही सब चीजों को सोचता हूँ कि भाई आ, हर इंसान की जिंदगी में स्ट्रगल है तो मैं कभी कभी बहुत खुश होता हूँ जब कोई मेरे गाने का कोई लाइन अपनी स्टोरी में डालता है जब वो नई स्प्लेंडर खरीदता है तो वो स्प्लेंडर खरीदता है और गाना यूज करता है तो मैं वो देखता हूँ कि ओके मैंने तो बहुत अचीव करने पे ये लाइन लिखी थी बट इन्होंने एक स्प्लेंडर खरीदने पे लिखी है तो उसके लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट तो हर इंसान का जो लाइफ है उनमें स्ट्रगल है और वो कुछ भी अपनी लाइफ में बेहतर कर रहा है तो मुझे ये चीज़ काफ़ी मोटिवेट करती है कि जो आपको मिल रहा है जितना प्यार मिल रहा है लोगों का तो आपको वो वापस देना है लोगों को वो फिर आप एंटरटेनमेंट के रूप में दो या आपको अच्छी बात के रूप में दो तो मेरा बस वही पर्पस है कि मैं लोगों को जो मुझे इतना प्यार मिल रहा है मैं अपने एंटरटेनमेंट से उनको शायद पहुंचा पाऊँ मुनावर गाने में लॉकअप के भी कुछ सीन थे आपने लॉकअप की जो जर्सी रहती है जो लॉकअप में आपको दी थी आपने वो पहनी थी आप कुछ बताना चाहोगे गार्ड्स भी पीछे नजर आ रहे थे उसके बारे में आ, आ बुले, 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 बुले। क्या नहीं 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 नहीं। तो हाँ आ, वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी बिहाइंड इट क्योंकि लॉकअप के गार्ड्स हम काफ़ी अटैच थे ठीक है ना और सभी थे और मैं तो खास करके ताकि मैं तुम लोगों से बाहर ज़रूर मिलेंगे और मैं जब बाहर आया तो मैंने एक हफ्ते बाद जब पार्टी आ, प्लान की तो मैंने सबको बुलाया एक हफ्ता दो तीन हफ्ते के बाद तो मैंने सारे गार्ड्स को बुलाया मैं उनसे सबसे मिला एंड देन फ़िलहाल उनकी जो भी वो उनकी गार्ड्स की टीम थी तो उनके पास कुछ तो प्रॉब्लम उन लोग को फाइनेंशियली फेस करना पड़ा था यस 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 तो नहीं मैंने, नहीं। मैंने मैंने मैं वही <laughs> तो बता <ही> <laughs> <नहीं> रहा <पारा। laughs> तो हमें सबसे बात की और पता चला कि पेमेंट ऑल्ट से नहीं रुका था उन्होंने तो किया है और बीच में कोई वेंडर झोल करके चला गया आई फेल्ट रियली बैड और स्टोरी वोरी डाल के कुछ फायदा नहीं था क्योंकि वो चला ही गया और नंगा हो गया कि भाई मेरे पास नहीं है पैसा तो मैंने उनको बोला था कि भाई कुछ काम रहेगा तो डेफिनेटली एल तो हम जो प्लान कर रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना वो सब गार्ड्स को मैं गाने में लेके आऊँ और कुछ एक सीन प्लान कर लूँ ताकि मुझे भी एक बढ़िया सीन मिल जाए और उनको काम मिल जाए तो उनको मैंने बुला लिया उनके जो कपड़े थे वो हमने सब अरेंज किए और वो एक सेटअप ही रेडी किया जिससे हम वो दिखा सके लोगों को कि भाई लास्ट ईयर जो हमने ये किया था उसके बारे में ये तो जब वीडियो लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ओके ये इतना सीन जरूरी क्यों था तो बस वो, वो अच्छा लगा मुझे मैं लोग बताए थे कि भाई ये चश्मे वाला पठान का सवाल पूछेगा <laughs> पठान 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 ने कहीं ना कहीं मुझे भी गलत साबित कर दिया गलत साबित इस टर्म्स में किया कि मैं खुद सोचता था कि अभी थोड़ी पिक्चर है जब थिएटर में लोग नहीं जाते तो मैं सोचता था कि यार ये कोविड ने ना लोगों को आलसी कर दिया है कोविड ने लोगों को अभी मोबाइल पे ही सब कुछ देखने की आदत डाल दी है तो अभी सिनेमा में कोई नहीं जाएगा बट वो चीज़ चेंज हो गई कि भाई मूवी इतनी तगड़ी बना दो और शाहरुख खान की फैंडम ही वो है कि लोगों को जाना ही है देखने और पिक्चर मैंने देखा पिक्चर अच्छी लगी और लास्ट वाला जय हिंद तो मतलब सीटियाँ ही तालियाँ सीटियाँ पैसे उड़ रहे भाई तो इतनी अच्छी मूवी बनाए और इंडिया में इस तरह का एक्शन बन एक्शन मूवी बन रही है कि हम जब बॉलीवुड की मूवीज को देखते हैं ये सब चीजें तो हम बोलते हैं इंडिया में ऐसी पिक्चर नहीं बनती बट हम आ चुके हैं इंडिया तर, आ चुका है तो कुछ कहना रहेगा तो आप बिल्कुल जब होगा तो डेफिनेटली जाऊंगा क्यों नहीं जाऊंगा ऐसा तो लग रहा ना अभी की बात। आ, तो साल भी हो गया तो वो क्या वो हाँ सॉर्ट आउट हो चुकी तो अभी जा सकते है थोड़ी है कि मेरा पासपोर्ट है तो मैं वही तो देखेंगे कॉल करेगा तो तुम्हारे को कॉल तो करता हूँ अरे तो 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 चालू है वो लास्ट 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 मुनावर इसके अलावा मुंजली फैंस को अगर कुछ कहना है क्या अच्छा अच्छा चाहते कि आप और अंजलि कॉलैप करें अगर कुछ अगर फैंस को कभी हर एक गाने के नीचे कमेंट में लिखते कि हमें चाहिए डेफिनेटली uh, भाई वो लगता है मेरे को अभी दो दिन पहले बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भाई शाहरुख खान के साथ पिक्चर आ रही है है ना तो शाहरुख खान मेरे साथ कर नहीं लेगा, ना? को क्या लेगा। uh, मैं यही बोलना चाहूंगा कि चीज होती है जो साथ में काम करने आप दोनों को एक साथ लेकर आए और रही बात एज अ एक्टर कोई गाना करने की तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ वो मैंने दो गाने की हल्की सी बरसात तो और एक तो ही

था, रियल जो, जो उसी तरह, था। था। एमसी तो उसको खेलने की भी नहीं ना, वो, वो बैठा हुआ है और खेल रहा है अपने से। अपने तो वो और रही बात मैं जैसे गेम खेल रहा था मेरा तो ऐसा था कि भाई मेरे को दूर दूर तक कोई चाहिए पास मेरे के लोगों को ऐसे बोले ही ना कि भाई सीधा यही विनर है यार दे दो ट्रॉफी खत्म करो तो अपन ने तो वो गेम कर दिया था लोगों का चलो थैंक यू और हाँ सबको सबको बहुत बहुत शुक्रिया सबको बहुत सारा प्यार आने के लिए और बस आप लोगों को भी पसंद आया होपफुल ये गाना और लोगों को भी पसंद आया प्लीज सपोर्ट करना इस सॉन्ग को और गाना सैज ने प्रोड्यूस किया हिट जोन मेरे साथ है इसमें और भी आप वीडियो जब देखोगे आपको बहुत मजा आने वाला है और वार्नर म्यूजिक और Warner म्यूजिक इंडिया इसको रिलीज कर रहा है तो डेफिनेटली इट विल बी गोइंग टू गो सो बेग तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसके लिए और आप लोग सब रुकना जाना मत हाँ तीस भाई खत्म <laughs>